माँ बाबू का ध्यान रखिए, जाटा का भी मान रखिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई टाइम हो रहा है अभी रात के 12 बजे। हम पूरे रेडी हो चुके हैं, ब्लैक अपर, ब्लैक जीन्स, वाइट शूज़। हम जा रहे हैं, मतलब हमारा एक दोस्त है अब्दुल, इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, उसका है ना आज बर्थडे है। तो हम सब है ना उसे सरप्राइज़ देने जा रहे हैं रात के 12 बजे की सेलिब्रेशन करेंगे अच्छे वाली, उसका बर्थडे मनाएंगे और मस्ती करेंगे। मतलब हम कम से कम 10-15 बच्चे हैं, मज़ा आएगा भाई। बस 5 मिनट और हम पहुँच जाएंगे और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि भाई का बर्थडे है, कौन नहीं होगा। मेरा मेरा बैग ब्लैक 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 मैन इन ऑल ब्लैक। बस अभी ट्रेन में ही है और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। एक तो है ना ये जो ट्रेन का सफ़र होता है ना, ये थका देता आधी बार, क्योंकि है ना मज़ा नहीं आता इसमें। अकेले ट्रैवलिंग है ना बोरिंग हो जाती है, क्योंकि गाने सुनोगे कितनी देर सुनोगे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, फिर है ना गानों से है ना बोरियत होने लग जाती है। बट कोई नहीं, लाइफ का यही असूल है, जब तक ट्रैवल नहीं करोगे तो पहुंच नहीं पाओगे। सो भाई हम निकल चुके रेस्टोरेंट से और ये हमने खाना पैक करा लिया और एक हमने जूस ले लिया। तो भाई बस ट्रेन में एक दोस्त के घर जाना है, मैं सोचा वहाँ से निकल के खाना पैक ही करा लूँ इंस्टेड ऑफ वहाँ बैठ के खाऊँ। तो ये अपने फ्राइज़ रेडी है, ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ। बस यहाँ से अब 1 घंटा लगना और मैं सीधा अपने दोस्त के घर पहुँच जाऊँगा। ले भाई क्या लिया है, शाबाश। मैंने लिखा खुद मेरे हाथ से, फिर नहीं पढ़ूंगा। हाय अगला लेटर तो पढ़ भाई, लेटर पढ़ा हां लेटर पढ़ के सुनाना पड़ेगा। ओए मन नहीं कर, ओए ओए आज मन नहीं कर मेरे, ओए लेटर के लिए यार ये उर्दू किसने लिखी है। ओए ओए मन नहीं कर, गाना मन नहीं कर, फिर भाई का लेटर सुनेंगे। भाई सुनो सुनाओ, अर्ज किया है, भाई अपने ब्लॉग को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर रहे हैं, कल रात को थोड़ा सेलिब्रेशन वगैरह थी 8th फ्लोर पे। ये भाई अपना सो रहा है, एक और भाई क्या आए हुए। तो बस भाई अब कुछ नहीं है, थोड़ी देर आ गए थे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है 8th फ्लोर पे, एंड यहाँ से अब हमें दोबारा कहीं जाना है। कल मतलब रात को एयरलैंगन थे, आज भी एयरलैंगन है बट किसी और दोस्त के घर पे। और एक तो ये बंदा सोता रहता है, ओए उठो ए डैडी मुझ। अपना देसी खाना पीना
गूंद भाई बैठे भाई भैं के देखा है निकड़ो दूध गेल और क्या गरम दूध अपना गूंद भाई दे ही देते है प्रोटीन ये भाई देखो प्रोटीन खा अगर दे ही बन रही ये खा अगर का दूसरा साइड जो कभी किसी ने नहीं देखा ये देखो पूरी बन रही है भाई जर्मनी में भी पूरी हाँ ये कर लो पहले जिसको लग रहा था ना भाई कैसे बनाया ये देखो भाई सब्जी शायद देखो देखते ही प्यार हो जाए ये देखो पूरी है ना पक्के शेफ लो भाई एक और बार बस का सफर स्टार्ट हो गया मौसम देखो बाहर चेक द व्यू गाइस सो भाई अब चलते हैं अपने घर फाइनली चलते हैं यार एक तो मुझे काम भी है प्रिंट आउट वगैरह भी निकालना है कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट तो प्रिंट आउट निकालना है फिर घर जाए काम भी करना है मुझे फिर घर जाकर मैं कम से कम एक दो घंटा करूँ मुझे फिर निरंबोग आना है मतलब ट्रैवल ही ट्रैवल चलता रहता बस तो अब बस वी आर ऑन द वे 15-20 मिनट में मैं घर हूँ प्रिंट आउट निकल जाता हूँ एक घंटा सोता हूँ खाता हूँ फिर वापस आना है यार एक तो भाई इनके है ना जो हमारे वाले रूट के RE41 इसके है ना सर्विस खराब जो स्क्रीन भी नहीं चल रही इस पर भी दिखा रहे कि स्क्रीन होगी अरे यार ये कुछ होती है भाई ये मतलब यहाँ की जर्मन ट्रेन की ये सीट है ऐसे गेट है ऐसे ये तो डिस्प्ले चलो फाइनली ये डिस्प्ले तो चलती है बट ये कभी कभार वो करती है बस फुल जंगलों के बीच में से हमारी जा रही है सो भाई फाइनली घर पहुँच चुके हैं अरे यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं पूरा दिन हो गया पूरी रात हो गई घूमते हुए अब फाइनली घर पहुँच चुके हैं और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब नहीं कराओ तो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और ऐसे ही मतलब नई नई वीडियो डेली आती रहेगी जल्दी से जल्दी जितना ट्राई हो सकता है क्योंकि यार थोड़ा है ना एडिटिंग में टाइम लगता है एडिटिंग में भी टाइम लगता है क्योंकि कॉलेज भी है पढ़ना भी है बहुत चीज़ें हो जाती है यार लाइफ में जैसे ये रूम है अब घर आया हूँ तो उस काम भी करना होता है रूम भी साफ करना होता है सब कुछ करना होता है यार तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टाटा बाय बाय